बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो इंतहाई अहम वीडियो है। आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि तमाम कॉलेजेस, स्कूल और यूनिवर्सिटी से जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं वो क्लोज रहेंगे। 10 डेज के लिए यूनिवर्सिटी जो है वो तमाम एक्टिविटीज़ को पोस्टपोन्ड कर रही है। तो इस हवाले से काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं कि सर BA BSc की रोल नंबर स्लिप भी आ चुकी है, उनके एग्जाम भी शुरू हो चुके हैं, कुछ के अभी रहते हैं, कुछ पार्ट्स के शुरू हैं। तो इस वाले से आप हमें बताएं कि हमारे एग्जाम भी कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं। तो इससे पहले आपको मैं वीडियो के बारे में गाइड करता हूं, तो आपसे गुजारिश है आप मेरे चैनल एसएन लाहौरी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको तमाम अपडेट्स जो है वो टाइम से टाइम मिलती रहें। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि रोल नंबर स्लिप आ चुकी है और सप्ली के कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्ट 1 के वो एग्जाम दे रहे हैं, पार्ट 2 के भी अभी जारी और सारी होने वाले हैं। तो इस हवाले से जिन स्टूडेंट्स के रहते हैं वो भी किसी किस्म की खुशखबरी में ना रहें। ये खुशखबरी बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है कि मौसम बहारा की जो है वो तातीलात का ऐलान हो गया है पंजाब यूनिवर्सिटी में, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी मेंशन है। इसके अलावा City42 की वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी ने मौसम बहारा की तातीलात का ऐलान कर दिया है। इसके अंदर लिखा गया है कि मौसम बहारा निजी तलीमी इदारे पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा का मजा दुबाला कर दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी से मुलहिका तमाम कॉलेजेस मराकज तलीमी इदारे 28 मार्च से लेके 8 अप्रैल 2022 तक बंद रहेंगे। यूनिवर्सिटी अहकाम ने तातीलात का नोटिफिकेशन ये देखे जारी भी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन भी आपको नजर आ रहा होगा। मोहम्मद रऊफ नवाज जो है वो रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। लेकिन ये नोटिफिकेशन उन स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है या उन स्टूडेंट्स का इसके ऊपर लागू होता है जो डेली बेसिस पे रेगुलर जो है वो यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, जिन्हें एग्जाम देने हैं या जो सप्ली के पेपर दे रहे हैं या BA BSc कर रहे हैं या आने वाले दिनों में MA MSc के जो जिन्होंने एग्जाम देने हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में, इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और सवालात कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह रहमान।